वेलकम टू के आर बॉलीवुड। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं सारा अली खान के बारे में। सारा अली खान से जब रमजान के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये बताने वाला हूँ मैं आपको वीडियो में आगे चल के। तो मेरी वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। सारा अली खान पे बात करने से पहले हम बात करते हैं थोड़ी सैफ अली खान पे। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी, वो थी सैफ अली खान पे और रमजान के मुतालिक। शाहरुख खान ने अपने टीवी शो में सैफ अली खान से एक सवाल किया था, वो सवाल ये था क्या ईद उल फितर रमजान के स्टार्ट में आता है। इसके जवाब में सैफ अली खान का क्या कहना था, अगर आप वो जवाब सुनेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी, मैं उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सारा अली खान की। जैसा कि हमें मालूम है कि रमजान के दिन बहुत करीब हैं, कुछ ही टाइम बाद हमें रमजान मिलेगा, मगर यहाँ पर मुसलमान बहुत एक्साइटेड हैं रमजान के इस मुबारक मंथ के लिए। जब सारा अली खान से पूछा गया कि रमजान आ रहे हैं आप क्या कहेंगी, सारा अली खान ने क्या कहा आप देखें वो वीडियो में। रुकिए ना सारा जी, रुकिए ना सारा जी, सारा जी सारा जी सारा जी अभी रमजान भी आ रहा है, कुछ बोलोगे आप? रमजान आ रहा है अभी। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जब सारा अली खान से रमजान उल मुबारक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा इस तरह बंद किया जैसे इन्हें कोई बात बुरी लगी हो। अगर यहीं इनसे इनकी मूवी के बारे में पूछा जाता तो ये शायद उन्हें लंबी ब्रीफिंग देती, मगर अफसोस की बात यह है मुसलमान होकर इन्होंने रमजान के मुतालिक कुछ ना कहा। आपका सारा अली खान के बारे में क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।